बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। मिस्र के दारुल हुकूमत अल काहिरा से ये पहले दिन की शुरुआत है और यहाँ पे मेरे साथ मिस्टर अहमद हैं। अहमद मेरे इजिप्शियन दोस्त हैं, इनसे इंटरनेट पे काउच सर्फिंग पे मुलाकात हुई और थोड़ा सा मैं था आने से पहले कि कैसा बिहेवियर होगा, लेकिन कल रात इनके यहाँ गुजारी, इनके घर पर, बहुत अच्छा लगा। इनके घर पर रह रहा हूँ और अभी हम फ्रेंड्स हैं, हम जा रहे हैं नाश्ता करने, उसके बाद मैं जाऊंगा पिरामिड्स देखने इजिप्शियन म्यूज़ियम में, जहां फिरौन की लाश पड़ी है और भी ममीज पड़ी हैं। तो ये बड़ा एक्साइटिंग डे होने वाला है, क्योंकि बचपन से जब हम लोगों को देखते थे कि वो पिरामिड्स के ऊपर ऐसे हाथ रख के खड़े होते थे तो बहुत अच्छा लगता था और विश करते थे कि एक दिन हम भी यहाँ जा पाएंगे। तो मिस्र ये भाई आर्किटेक्चर मैंने देखा पुराना, मुझे फ़लस्तीन जैसी फीलिंग आई, वैसी पुरानी मॉस्क, पुरानी बिल्डिंग्स। सो एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे मिस्र के ये खूबसूरत तरीन मकामात। मकामी दोस्तों का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि वो जानते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से बेहतर मिलती है। नाश्ता करना था तो फिलफिला से बेहतर कोई पॉइंट नहीं, जहाँ से तामिया मिलता है और बहुत सारे जायकों में। तो प्लान ये हो चुका है कि अहमद लोगों के साथ नाश्ते के बाद मैं जुदा हो गया और फिर वहाँ से मेरे यहाँ पे जो टूर गाइड हैं एमैनी, उनके साथ हम गाड़ी में जा रहे हैं। आमतौर पे गिज़ा पिरामिड्स का लोगों को पता है कि वो करते हैं, लेकिन गिज़ा से भी ज़्यादा सक्कारा पिरामिड्स है, वो उससे भी ज़्यादा पुराने हैं और वहाँ पर ज़्यादा जो उनका लाशों को सेव करने का तरीका है वो ज़्यादा पुराना है। मतलब वहाँ से इतना कुछ निकला कि अब हुकूमत को पाबंदी लगानी पड़ी कि कोई भी वहाँ पे खुदाई नहीं कर सकता। तो एक ऐसी प्लेस जो आमतौर पे लोग नहीं जाते, तो हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं कि हम गिज़ा पिरामिड्स जो हम इजिप्ट का आप देखते हैं उससे नहीं करेंगे, बल्कि जो मिस्र का कदीम तरीन अहराम है उससे हम इब्तदा करने वाले हैं। और साथ साथ ये मिस्र भी आपको दिखाते चलें भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से ये नहर है, इसके सराउंडिंग पे कॉफ़ी शॉप्स, ये कचरे के ढेर हुआ करते थे, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से बना रहे हैं, साइडों पे बिल्डिंग्स बन रही हैं अच्छी, लोगों का ख्याल बड़ा रखा जा रहा है, पुराने पुराने घरों को गिरा के लोगों को वहाँ से निकाल के नए घरों के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है और ये गवर्नमेंट कर रही है। अल काहिरा से बाहर निकल के हम जिस रास्ते पर जा रहे थे, ये आगे आगे गाँव में तब्दील होता गया, रास्तों में हरियाली, दरख्त और बहुत सारी ज़रात हमने देखने को मिली। और इसके बाद जुमे का दिन था, एक मस्जिद के करीब से गुज़रा और उसमें जो तिलावत हो रही थी माशाल्लाह। यहाँ पे दाखिल होने के बाद यहाँ से टिकट लेनी होती है, तो ये कुछ इस तरह से है। 180 जो है यहाँ की टिकट है, और क्योंकि हम टैक्सी पे आए हैं तो 5 उसकी है, तो 185 pounds यहाँ टिकट है। और ये जोजर पिरामिड की पिक्चर बनी हुई है वहाँ, यहाँ पे कई सारे पिरामिड्स हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये सबसे कदीम है, इतने कदीम है कि अब कुछ तो बिल्कुल तबाह होते जा रहे हैं, जो आप गीज़ा में देखते हैं उससे भी ज़्यादा पुराने। यहाँ पे भी बहुत सी ममीज़ और लाशों वगैरह को रखा जाता था। तो हम ऐसे रास्ते पे चलते हुए जा रहे हैं और ये देखें ना आपको टीले और वही पुरानी सकाफत। ये बेसिकली सक्कारा गांव है और इस गांव के आसपास अब तो हरियाली भी काफ़ी है और जो आसार कदीमा इन्होंने महफूज कर ली अभी तक वो यहाँ पर मौजूद हैं। पहले लोगों ने जारी बात है उसको खोदा, नीचे से बहुत सारी चीज़ें निकल रही थी। ये देखें आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि वो जो बादशाहों को दफन किया करते थे ना, तो उनके सोना वगैरह और उनके इवन के नौकरों को भी हनूत करके वो दफन कर दिया करते थे कि ये ऐसे ही उठेंगे तो इनको नौकरों की ज़रूरत होगी, इनको सोने चांदी रुपए पैसे की कल को ज़रूरत होगी तो वो इस्तेमाल करें। तो लोगों ने वो सब कुछ निकालने के लिए यहाँ पे खुदाइयाँ वगैरह की और इनको
बर्बाद किया अपनी ही साइट्स को. See the mud bricks, this is original. Okay. Where the worker, they built their houses here to working, to build the pyramid for the king. Oh, that's this good. This is a pyramid in front of you. This is for King Userkef, fifth dynasty. Uh-huh. Collapsed because the king built the base from granite, stone of granite. Okay. This is why it never survived for a long time and collapsed from the ancient time. Uh-huh. And the kings came after him, used the stone to build their pyramids. This is the first pyramid built in the human beings and in Egypt. This is the steps pyramid of Zoser. सामने जो अहरामे मिस्र मखदूश हालत में खड़ा है इसके मुतालिक बताती हैं कि ये ग्रेनाइट पत्थर से बना था और बनने के कुछ अर्सा बाद ये तबाह हो गया. और इसके साथ जो बाईं जानिब उन्होंने दिखाया ये इंसानी तारीख का पहला पिरामिड्स है यानी अहराम है और बाकी जितने भी थे जो मशहूर हैं वो इसके बाद बने हैं. हम इस पिरामिड्स पे भी जाएंगे और इससे पहले यहाँ पे एक बहुत ही ख़ास पिरामिड है यानी अहराम उस पे हम जा रहे हैं. एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको बता दें कि ये अहराम जो आपको लग रहा है कि यूँ पास ही है इस पे जाने के लिए गाड़ी के ऊपर 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है. और इसके साथ जो दूसरा अहराम आपको नज़र आ रहा है ये वो गीज़ा का अहराम है जो बहुत मकबूल है जहाँ पे मैंने तस्वीर भी उतारी और तमाम लोग इसी को विज़िट करते हैं. हमने यहाँ पे सबसे पहले टेटी पिरामिड जाने का फ़ैसला किया. अहराम टेटी ये किंग टेटी का मकबरा है वो इसके अंदर दफन था जिसकी लाश बाद में यहाँ से निकाल के म्यूज़ियम में मुंतकिल कर दी गई. ये वो अहराम है जो अभी हालिया तारीख में चंद साल पहले मिले थे. यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम जारी है और चीज़ें भी मिल रही हैं. किंग टेटी के मुतालिक आपको बता दें कि ये फिरौनी नस्ल का छठा बादशाह था जिसने कोई 32 साल के करीब हुकूमत की. और ये भी याद रखिए कि फिरौन कोई एक नहीं था. जिस तरह हम सुनते हैं मुग़ल बादशाहों के दौर में तो मुग़लों के अंदर कई बादशाह आए थे, इस तरह फिरौनी नस्ल की भी एक लंबी कड़ी है जो कई 100 साल तक चलती रही और इनके कम अज़ कम कोई 25 से ज़्यादा बादशाह इनकी नस्ल में आते रहे. और इसी में एक वो फिरौन था जिसका ज़िक्र कुरान में है और उसके मुतालिक आने वाली वीडियोस में हम बात करते रहेंगे. यहाँ दाखिल होते ही सबसे पहले आपको मरूका का मकबरा नज़र आता है. मरूका किंग टिटी का बहुत ही ख़ास आदमी था जो कई महारतों का हामिल था. ना सिर्फ इमारतें बनाता बल्कि अच्छे सलाह मशवरे भी देता. ये सामने उसी का मकबरा है और इसके अलावा और भी कई मकबरे हैं. जो बादशाह हुआ करता था उसका अहराम यानी पिरामिड्स बना करता था, हरम उसे कहते थे, और जो आम बाकी उसके रिश्तेदार ख़ास लोग उनके मकबरे बना करते थे और बादशाह अपने लिए हरम बनवा के फिर अपनी मैयत को उसके अंदर ही रखवा देता था. और आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें जो अभी दरियाफ्त हुई हैं ये 6,000 साल पुरानी हैं. ज़रा सोच के देखिए इतने 1,000 साल गुजर गए आज भी ये मौजूद हैं. अभी हालिया दरियाफ्त के बाद इन्हें अवाम के लिए खोल दिया गया. मरूका के इस मकबरे की दीवार के साथ ही एक छोटी सी दीवार हमें मिली जो माना जाता था कि हिफाजत के लिए थी. और फिर इसकी दीवारों के ऊपर जो नक्श थे क्या कहने. और ये नक्श उसी की तस्वीर होते हैं जिसका वो मकबरा या जिसकी प्रॉपर्टी होती है. ये मरूका का उसकी तस्वीर है और उसके नीचे अगर आप गौर से देखें तो ये उसकी सबसे छोटी बीवी थी जो मोहब्बत के तौर पे उसका नक्श भी वो अपने साथ बनवाते. तो यहाँ पे मरूका का उस पुरानी ज़ुबान में नाम भी लिखा हुआ है. इस दरवाजे की दूसरी जानिब इसकी बीवी की मुकम्मल तस्वीर और मुजस्मा भी है जिसके अंदर गौर करें तो आप देख सकते हैं कि फूल सूंघते हुए उसने मुकम्मल लिबास पहन रखा था जिसका मतलब ये था कि वो तहजीब बापर्द थी, वो जिस्म को नंगा रखना पसंद नहीं करते थे. और आपको बता दें कि ये दीवारों के ऊपर जितना कुछ नक्श है इनमें कुछ भी फजूल नहीं. ये ठीक ऐसे ही अपने वक्त की रिकॉर्डिंग है जैसे हम आज मोबाइल से कर रहे हैं. तो उन्होंने दीवारों के ऊपर ये रिकॉर्डिंग रहती दुनिया तक के लिए महफूज कर दी कि हमारे बाद हमारे लोग हमें जान सकें कि हम क्या थे, कौन थे, कैसे रहते और कैसे खाते पीते थे. अंदर भी आपको कई ज़बरदस्त किस्म की इन तस्वीरों की कहानियाँ बताऊँगा.
यहाँ की बाकी मालूमात शेयर करने से पहले आपको लेके चलता हूँ किंग टैटी के अहराम में, जहाँ नीचे ज़मीन के अंदर सुरंग खोद के उसको रखा गया था। और ये चूँकि पुराने अहराम हैं, तो ये फिरौन से भी पहले ज़माने के बादशाह और उसकी मम्मी बना के यहाँ रखी गई थी। वो तमाम रास्ता मैं चाहता हूँ कि आप असल फील से देखें, जिसमें इंतहाई झुक के बड़े तंग रास्ते से नीचे जाना पड़ता है। Assalamu alaikum. Where come from? Pakistan. Yeah. We help you? No. Thank you. I have friend. इंतहाई मोटे पत्थर से बने हुए इस बॉक्स के अंदर किंग टैटी का ताबूत बरामद हुआ था, जिसे अब म्यूजियम मुंतकिल कर दिया गया है। ये बॉक्स भी बजाते खुद एक इंजीनियरिंग है। इसके अंदर कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया था कि इसको आगे पीछे करके इस बॉक्स को खोला जा सकता था। और आप ज़रा गौर कीजिए कि कितना मोटा पत्थर है, किस तरह से इसको पहाड़ के अंदर ला के और फिर यहाँ पे ताबूत बनाया होगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सोचने बैठें तो उनका जवाब मिलता ही नहीं। आज के जदीद तरक्की याफ्ता दौर में बस अंदाजे लगाए जा रहे हैं और कोई नहीं जानता कि ये मुश्किल काम हुए कैसे। रास्ता इतना तंग कि बंदा भी ठीक तरह से अंदर नहीं आ सकता, और फिर ये बड़े बड़े संदूक यहाँ कैसे आ गए। और अल्लाह की शान देखिए कि सिर्फ यहाँ ये अहराम ही नहीं बनाया, बल्कि इसकी दीवारों के ऊपर इतनी बारीकी से अपनी तारीख को नक्श किया गया है कि हर तस्वीर, हर जायचे और हर खाके का एक मतलब और एक कहानी है जो यहाँ के माहिरीन बताते हैं। मैं इनको देख के हैरान था कि 6000 साल गुजर गए और ये नक्शो निगार और ये तारीख आज भी वैसी की वैसी है। आपको बताते चलें कि किंग टैटी की लाश जो यहाँ से मिली थी, ये फिरौन से भी कोई 1000 साल पहले की यहाँ पे रख दी गई थी। किंग टैटी ने इस अहराम को खुद ही बनवाया था और फिर बाद में उसको ही यहाँ पे दफन किया गया। और ये इसलिए होता था क्योंकि मिस्री कदीम दौर के अंदर बादशाह खुद को देवता और भगवान बना के पेश किया करते थे, ताकि रियाया जो है उनकी इज्जत करे, उनके सामने झुकी रहे। इसीलिए जब ये मर जाते तो कहते कि ये मरे नहीं हैं, बल्कि ये सोए हैं और कुछ देर के बाद ये जाग जाएंगे। इसलिए इनको ममीज की सूरत में महफूज करके यहाँ पे रख दिया जाता। और न सिर्फ ये, बल्कि इनके खुदाम भी आसपास दफना दिए जाते और इनके लिए सोने चांदी से बने हुए चीज़ें और ख़जाने इनकी कब्रों के अंदर ही दफन कर दिए जाते, ताकि कल को जब ये उठें तो उन्हीं से ये अपना जमा खर्च और ज़िंदगी का गुजारा कर सकें।
लाहौर यहाँ से बाहर आने के बाद एक मिस्री शख्स से मुलाकात हुई जिसका भाई पाकिस्तान में पढ़ता रहा है जो अब वफात पा चुका है और इसके साथ ये मुझे पाकिस्तान के मुतालिक बताता रहा। मैंने कुछ देर के बाद इसे 10 मिस्री पाउंड दिए क्योंकि मेरी गाइड ने मुझे बता रखा था कि जो मकामी यहाँ पे देखभाल करते हैं अगर आप उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और आपको कहीं भी तस्वीर या वीडियो बनाने से भी मना नहीं करते। जहाँ तस्वीर की इजाज़त नहीं है वहाँ भी अगर आप कैमरा उठा के चले जाएँ तो आपको मना नहीं करते। पिरामिड्स देखने के बाद जुमे का वक्त हो चुका, मैंने कहा जुमा पढ़ लेते हैं, तो यहाँ एक भाई साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये इस टीले के ऊपर चढ़ेंगे तो दूसरी तरफ एक मस्जिद है वहाँ पे आप नमाज जुमा अदा कर सकते हैं। यार इजिप्ट का मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे मस्जिद के अंदर कुरान पाक की तिलावतें हो रही थी, वो तिलावतें जो हम पाकिस्तान में महफिल करवा के सुना करते थे, हर मस्जिद से बड़ी खूबसूरत आवाज़ आ रही थी कुरान पाक की तिलावत की। यहाँ तिलावत करते हैं उसके बाद थोड़ी देर 10 मिनट के लिए एक बयान और फिर जुमा यानी नमाज। तो ये सारे पिरामिड्स हैं भाई, वो जो एक सिर्फ हमने बिल्डिंग गीज़ा की देख रखी है ना पिरामिड्स की, सिर्फ वो नहीं यहाँ पे बहुत कुछ है अंदर। अभी मैं जो देख के आया क्या कमाल चीज़ें थी यार, ये देखो अल्लाह अकबर कितने इंसानों ने मेहनत की होगी और क्या कमाल मेहनत की। जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद मकबरा काजमीनी जो कि किंग टैटी के अहराम के बिल्कुल सामने है उसमें गए। ये किंग टैटी का चीफ जस्टिस और वज़ीर था। बादशाह अपने साथ हमेशा कोई ऐसा बंदा ज़रूर रखते जिसकी बदौलत वो सही फैसले कर पाते और उसकी अकल को यूज़ करते हुए वो रियाया को खुश करते और ये जान सकते क्योंकि वो आदमी रियाया की मर्ज़ी और सोच को जानता था, इसलिए बादशाह कबल इस वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेते अगर उन्हें कहीं से बगावत का ख़तरा होता। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही 6000 साल कबल लोगों के रहन सहन के मुतालिक ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस किस्म के जानवर, मछलियां कैसी थीं, उनका शिकार कैसे किया जाता था, ये सारी तफसील इन तस्वीरों की सूरत यहाँ दर्ज है। इस दीवार के ऊपर रक्स करते हुए इंसानों की तस्वीरें हैं जो ख़ास किस्म का रक्स उस वक्त करते थे जब कोई मर जाता। गमी के अंदर ये ख़ास रक्स किया जाता था और ये जिमनास्टिक जैसा डांस लगता था। फिर उसके बाद जब बहुत अरसे के बाद ईसाइयों ने यहाँ पे आके हुकूमत की तो उन्होंने बहुत सारे मकामात, बहुत सारी तस्वीरें और यादें यहाँ से मिटा दी। उनको पत्थरों से या तो खुर्च दिया गया या बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उनका मानना ये था कि गम के मौका पे इस तरह का डांस करना ये ठीक नहीं है, लिहाजा न सिर्फ इनकी रसूमात बल्कि उनके जो बादशाह या देवता थे उनका भी नामो निशान ईसाइयों ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर काफ़ी हद तक मिटा दिया था। मछली पकड़ने के मुख्तलिफ तरीके, दरियाई घोड़े और मगरमच्छ की लड़ाई, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये जानवर इतने हज़ार साल बाद भी नहीं बदले। आज भी हम इस दुनिया में इन जानवरों को वैसा ही देखते हैं। This is cross the canal, and this is ready with the cows, and this is one of the pastoral looking to her baby on the back here. Can you see the story? No. She's screaming, like the big buffalo screaming for looking for her baby. जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ की हर तस्वीर एक कहानी है, ये तस्वीर देखिए ये भी एक कहानी है। एक गाय पीछे मुड़ के देख रही है अपने बच्चे की जानिब जिसको या तो किसी ने शिकार के लिए उठा लिया है या फिर नदी पार करवानी है, तो वो बड़ी रोते हुए चीखते हुए अपने बच्चे की जानिब देख रही है। तो ये उस दौर का एक रहन सहन था कि उस दौर के अंदर शिकार का तरीक़ाकार क्या था। फिर इसके ऊपर आप देखिए कि गाय से दूध लेना, आजकल ये जो टीका लगा के हम गाय से दूध लेते हैं तो इसका निज़ाम ये था कि गाय को बांधा जाता और उसके बच्चे को उसके पास छोड़ के फिर दूध हासिल कर लिया जाता और बाद में ये जो रस्सियों से बांधना है इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए उसके बच्चे के बगैर ही उससे दूध ले लिया जाता।
कंप्लीट स्टोरी। इस मकबरे के अंदर और बहुत कुछ है, आप वो देखिए और ज़रा रिलेट करने और कहानी समझने की खुद से कोशिश कीजिएगा। इसीलिए तो यहाँ पे बूढ़े अफराद, जर्मनी के इतने लोग हैं हर जगह कि वो हर तरफ छाए हुए हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की तमाम चीज़ों और यहाँ की जो कहानियाँ हैं उनको जान सकें। इस मकबरे के अंदर और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे खुली कचहरी, बादशाह जहाँ पे बैठ के बातें सुनता, लोगों के मसाइल देखता, वो भी एक कमरा मौजूद है। इसके अलावा नक्शो निगार बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उन तमाम की डिटेल अब अगर इस वीडियो में डालूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अहराम मिस्र जो गिज़ा के अंदर है, जिसे आप खुफू का अहराम और दूसरे अहराम के नाम से जानते हैं, उन पर हम तफसीलन वीडियो बनाएंगे ताकि हर एक मालूमात आप तक पहुँचाई जा सके। This room dedicated to the liquid stuff, liquid offering, like beer, wine, and perfume. So the perfume is still in Egypt. We're still making the perfume like the ancient Egyptian way. Okay, so we take the flower, take the juice, bury it under the sand to concentrate, to be strong. The same technique they use it to make the beer and wine, still in France and Greece. Take the grapes from Egypt and make it the same technique. So the stories which we heard on vlog that the King Ramses mummy found in Giza pyramids, then they moved to Cairo. It's fake stories. It was found in King's pyramids. No. Giza pyramids already this for King Cheops, Khufu, and Menkaure, and we found it empty.